जब भी मैं पूजा करती हूँ ना, तो माधव पीछे से आ जाता है और मेरे को पकड़ लेता है, क्योंकि उसको ना शंख की आवाज़, उसके बाद जिसे हम लोग काश बोलते हैं वो बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, तो उसको ना डर लगता है। और ये जो समोसा है ना, ये राकेश लेके आया था, तो 2 बज गया था, तो फिर मैंने वो भी खा लिया, उसके लिए बचाया ही नहीं। बहुत मेरे को उतना पसंद नहीं वाला, लेकिन सुबह सुबह भूख इतनी लग जाती है काम दाम करके, तो फिर मैंने खा लिया। अभी सारा काम हो गया है, अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, क्योंकि हम लोग इस अभी ना थोड़ा जल्दी उठ जा रहे हैं, ऐसे 6 बजे 6:30 बजे उठ जा रहे हैं, तो उस बीच ना हमारा सारा काम काज हो जाता है। और अभी ना थोड़ा ही काम बचा है, तो वो भी मैं निपटा ले रही हूँ। उसके बाद ना मैं माधव को लेके थोड़ा बाहर घूमने के लिए जाऊँगी, क्योंकि माधव ना थोड़ा परेशान हो रहा है अंदर, क्योंकि उसको बाहर थोड़ा जाना है। और ये ग्लास देखो, ये तोड़ने वाला था, थोड़ा सा अगर पानी गिर जाता है ना, तो ये चाट चोट के ख़त्म कर देता है, या फिर उस पानी के ऊपर लेट जाता है, ऐसा ही करता है। अभी छोटे बच्चे ऐसे ही गंदे वाले हरकत करते हैं, कब तक मैं इसको बचाती रहूँगी, ये बताओ आप लोग। मतलब ये इतना गंदा हो गया है ना, क्या ही बोलूँ मैं। अब ये सारे बर्तन मैंने अपने पति को बोला कि बाहर निकाल दो, तो वो मेरा सुबह सुबह बहुत सारा हेल्प करके देते हैं। एंड देखो, मम्मी ने ना एक ये रोटी रखने वाला दिया, जिसे हम कहते हैं हॉट केस, तो ये बहुत प्यारा सा है, तो इसका ब्रांड क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा सा है। और अभी परमल का जो मिठाई है वो बनाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा मावा रह गया था, तो उसका अभी मिठाई बनाने वाली हूँ मैं। और जब से मैंने ये परमल का मिठाई बनाना सीख गई ना, रोज़ बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत यम्मी बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है परमल का मिठाई। और मैंने तो रेसिपी शेयर किया है। अच्छा, मैं आप लोग को बोल रही थी कि मेरे को ना इस तरीके से छीलना था पहले वाले में, लेकिन मैंने इस तरीके से छीला नहीं, मैंने सिर्फ ग्रीन ग्रीन ऊपर का छील दिया, और लास्ट में बीच में एक ग्रीन टाइप का रहता है उसको नहीं हटाया मैंने, प्रॉपरली नहीं छीला था मैंने, तो ये बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। तो उस गलती को सुधारने के लिए अभी मैं अगेन बना रही हूँ, प्लस थोड़ा सा मावा बच गया था उसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इधर देखो, माधव तो बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि माधव ना आके खाली चाकू पकड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही जा रहा है। और मैं साइड में बनाने वाली हूँ अभी लड्डू, नारियल का लड्डू, क्योंकि नारियल बचा है, और कुछ दिन के बाद ना हम लोग चले जाएंगे ट्रैवल पे, तो उससे क्या होगा ना, नारियल का जो पाउडर है वो ख़राब हो जाएगा, तो फिर मैं उससे अच्छा जल्दी जल्दी बना दूँ, तो वो भी खाना भी हो जाएगा। और इधर मैंने ले लिया है चीनी, और कुछ इधर है इलायची, तो इनको अभी मुझे ना पीसना है, और एक पीस के ना एक पाउडर फॉर्म में लाना है। और अभी के लिए बाय।